मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्ले किए गए कैप्टन अमेरिका और फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च के रोल के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाले क्रिस इवांस को आज कौन नहीं जानता। वैसे तो क्रिस ने अपने करियर में काफी अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन उनको असली पहचान उनके निभाए गए सुपर हीरोज के रोल के जरिए ही मिली। और आजकल उनका रोल एक बार फिर से लोगों के दिमाग में छा चुका है, क्योंकि 27 अप्रैल 2018 को रिलीज होने जा रही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक बार फिर से क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आएंगे। साथ ही इससे पहले फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च के रोल के लिए भी उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवांस की पूरी लाइफ स्टोरी, कि किस तरह से मॉडलिंग से शुरुआत करने वाले क्रिस बने लोगों के फेवरेट सुपर हीरो। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जून 1981 से, जब यूनाइटेड स्टेट के बोस्टन में क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवांस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जी रॉबर्ट इवांस III था, जो कि दांतों के एक डॉक्टर थे, और उनकी माँ का नाम लिसा इवांस। साथ ही उनकी फैमिली में उनकी दो बहनें और एक भाई भी हैं, जिनमें बहनों का नाम कार्ली और सना है और भाई का नाम स्कॉट है। जन्म के बाद क्रिस का पूरा परिवार सडबरी नाम की जगह पर शिफ्ट हो गया और यहीं पर उनकी परवरिश हुई। क्रिस ने अपनी स्कूल की पढ़ाई लिंकन सडबरी रीजनल हाई स्कूल से की, और पढ़ाई के दौरान ही वे स्कूल के अलग अलग शोज में पार्टिसिपेट भी करते रहते थे। उन्होंने स्कूल में द विंटर टेल नाम का एक प्ले भी किया था, जिसमें कि उनके निभाए गए किरदार लियोन्टीस को काफी सराहना मिली, और यहीं से क्रिस में एक एक्टर बनने की चाह पैदा हो गई। और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए क्रिस इवांस ने एक थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और यहां से अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के बाद क्रिस ने 1997 में बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड अबाउट लाइफ नाम की एक शॉर्ट वीडियो भी की। हालांकि उनका असल करियर शुरू हुआ एक मॉडल के तौर पर, जब उन्होंने एक गेम बनाने वाली कंपनी हैसब्रोज में मॉडलिंग की शुरुआत की। हालांकि यहां से आगे का रास्ता तय करना क्रिस इवांस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, और इस वक्त उनका साथ दिया उनके दोस्तों ने। क्रिस के दोस्त उन्हें हमेशा ही इनकरेज करते रहे, और फिर आखिरकार साल 2000 के एक टीवी शो द फ्यूजिटिव में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया। साथ ही इसी साल उन्होंने अपोजिट सेक्स नाम का भी एक टेलीविजन शो किया, और फिर जल्द ही उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें फिल्मों में भी रोल मिलने शुरू हो गए। 2000 में क्रिस ने छोटी बजट की दो फिल्में चेरी फॉल्स और द न्यू कमर्स में काम किया, और फिर 2001 में उन्हें नॉट अनदर टीन मूवी में भी देखा गया। लेकिन क्रिस इवांस लीड रोल में देखे गए 2004 की मूवी द परफेक्ट स्कोर से, और इस मूवी से लोगों में एक एक्टर के तौर पर उनकी पहचान बननी शुरू हुई, और फिर आगे भी उन्होंने सेल्यूलर, फियर्स पीपल और लंदन मूवी में काम किया। हालांकि 2005 में वह मूवी आई जो कि उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और इस मूवी का नाम था फैंटास्टिक फोर। इस मूवी में क्रिस इवांस द्वारा निभाए गए किरदार ह्यूमन टॉर्च को लोगों ने खूब पसंद किया, और वे अब लोगों के फेवरेट एक्टर्स में से एक बनने लगे। इसके बाद 2007 में फैंटास्टिक फोर के सिक्वल फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में वह दोबारा से ह्यूमन टॉर्च के किरदार में नजर आए, और यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। और इस तरह से उनके और भी रिसेंट मूवीज को देखते हुए उन्हें काम मिला कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, और उनका सुपर हीरो यानी कि कैप्टन अमेरिका का किरदार लोगों के दिलों को छू गया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, और क्रिस इवांस पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। 2012 में क्रिस द एवेंजर्स मूवी में एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाते हुए नजर आए, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। 2012 में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की, और इस मूवी में क्रिस इवांस के साथ थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि खुद भी एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं। आगे भी क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही 27 अप्रैल 2018 को रिलीज हो रही मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में भी वे कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस मूवी को हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और दोस्तों, इंडिया में भी इस मूवी का क्रेज बहुत ही ज्यादा है, और लोग इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी हमारे प्यारे सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका की। उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।